आगामी विधानसभा में किस उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं आप? रविंद्र शर्मा जी, अशोक लाहोटी को, रविंद्र शर्मा जी, रविंद्र जी शर्मा के साथ, रविंद्र जी शर्मा है, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा सांगानेर, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, रविंद्र शर्मा, रविंद्र शर्मा, रविंद्र जी शर्मा, अशोक लाहोटी, अशोक लाहोटी, अशोक लाहोटी, पुष्पेंद्र भारद्वाज, मधु शर्मा, मधु शर्मा, मधु जी शर्मा, मधु शर्मा, मधु शर्मा, पुष्पेंद्र भारद्वाज, भवानी शंकर जी, भवानी शंकर, भवानी शंकर माली, भवानी शंकर की गाड़ी, भवानी शंकर। और यहाँ पे क्या तीन समस्याएं हैं सबसे ज्यादा? यहाँ पे खेल मैदान की और पानी की और सफाई की समस्या है। पानी की बहुत समस्या पानी है। पानी की समस्या एक सबसे ज्यादा, पानी की खेल मैदान नहीं है हमारे आसपास, पानी की समस्या नहीं है, कचरा ज्यादा है, साफ नहीं होता है, बिजली की, पानी की, लाइट और जीडी पट्टा न मिलने की वजह से वहाँ पे पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, बिजली की समस्या है, सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, सिक्योरिटी, पानी की समस्या है, रोड बनी नहीं है बिल्कुल, ट्रैफिक का है, पानी की अपराध, सड़कों साफ सफाई, पानी की, पानी, बिजली, रोड, रोड लाइट, लाइन, पानी, स्कूल, रोडों की साफ सफाई, ट्रांसपोर्ट, पेयजल, बिजली, पानी, सिविल लाइन, पानी, सिविल लाइन की लाइट, सड़कों की समस्या, पानी की समस्या, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, बिजली, रोड, पानी, रोड, पानी, सीवरेज, पानी, रोड, पानी, रोड, रोड लाइट, रोड नाली, पानी, रोड लाइट। नमस्कार, दावेदारों की आवाज सीधे जनता तक में आप सभी का स्वागत है। आज इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े रविंद्र शर्मा जी, सांगानेर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी। बहुत बहुत आपका स्वागत है रविंद्र जी इस कड़ी में दावेदारों की आवाज सीधे जनता में। पुनीत जी नमस्कार। आज हम आपसे जानना चाहते हैं रविंद्र जी, आप अपने पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, आपको टिकट मिल भी जाती है पार्टी से और आप जीत भी जाते हैं, तो आने वाले 5 साल बाद आपकी विधानसभा में क्या चेंजेस देखेंगे? सांगानेर में आमूल चूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई प्रत्याशी तो पैराशूट से आता है और कोई प्रत्याशी जमीन पर रह करके मेहनत करता है, तो हमने जमीन से शुरुआत की है। यहाँ के सांगानेर के संघर्ष देखें, संघर्ष के साक्षी रहे, संघर्षों में काम किया है, तो सांगानेर में आपको परिवर्तन तो देखने को मिलेगा ही। अब इसमें सांगानेर की जो समस्याएं हैं मुख्य रूप से उनमें सुधार किया जाएगा, उनको विकास को बढ़ाया जाएगा और मोदी जी की केंद्र की नीतियों को जोर शोर से सांगानेर में लागू किया जाएगा। आपके अनुसार आपके क्षेत्र में 3 सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? मुख्य रूप से समस्या अपराधीकरण ज्यादा है सांगानेर में। अपराधीकरण आए दिन लूटपाट होना, रेप केस होना, और ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कांग्रेस के कुशासन में तो ऐसा लग रहा है कि ये उच्चतर स्तर पर बढ़ा हुआ है। इस पर पूरा ध्यान देना, सांगानेर को भयमुक्त करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने के बाद इस सब में आपको सुधार मिलेगा। और दो और क्या मुद्दे हैं? एक मुख्य रूप से जो समस्या यहाँ ध्यान में आती है, बीसलपुर का पानी सभी जगह पहुँच नहीं पा रहा है, कॉलोनियों में ज़्यादातर समस्याएँ, तो कॉलोनी की समस्याओं को दूर करना, उनमें बीसलपुर लाइन जोड़ना मुख्य उद्देश्य रहेगा। 5 साल में पानी की समस्या से कोई त्रस्त नहीं रहेगा, ये मेरा वादा रहेगा आपसे। एक और समस्या है ना, सफाई की बहुत दिक्कत है। आए दिन आप देखेंगे कि कार्यक्रम होते हैं तो सफाई हो जाती है, बाकी स्थिति बहुत खराब है। सफाई की मुख्य रूप से जो समस्या है उसको दूर किया जाएगा, सांगानेर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा। ये सांगा बाबा का क्षेत्र है सांगानेर, उसको बहुत अच्छा किया जाएगा, धार्मिक नगरी को। रविंद्र जी, आप इसी में हम बताएं कि आप जितने भी दावेदारी और कर रहे हैं उनमें से आप अपने आप को अलग कैसे मानते हैं कि जो दावेदार कर रहे हैं इतने लोग हैं इनमें से मैं सबसे अलग हूँ? अब यहाँ तो पैराशूटिंग उम्मीदवार ज्यादा आ रहे हैं, वो पैराशूट वाले तो जो यहाँ कार्य करेंगे वो जनता समझ सकती है। यहाँ टिकट लोकल को दिया जाना चाहिए, जो यहाँ की समस्याएं समझे, यहाँ के लोगों के दुख दर्द में भागीदारी निभा सके, ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जो सबके नज़दीक हो। ऐसा क्या जो सिर्फ चुनाव के समय आए और हवाई जहाज से आए और हवाई जहाज से बैठ करके चले गए, ऐसा उम्मीदवार नहीं है। तो अपन उसमें, आप इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं तो ऐसे क्या आपने अपने विधानसभा में 3 क्या उत्तम कार्य कराए आज तक? ये सांगा बाबा की नगरी है, यहाँ धार्मिक लोग रहते हैं और बड़ा अच्छा यहाँ का वातावरण है, तो धार्मिक यात्राओं का आयोजन करना और अपन हर साल यहाँ रामोत्सव समिति का कार्यक्रम करते हैं, बड़ी बड़ी धार्मिक यात्राएं निकालते हैं,
और यहाँ से डिग्गी कल्याण जी की यात्रा जाती है, उनकी सुविधाओं में ध्यान रखना, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करना और भी यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो उनको दुरुस्त किया जाएगा। एजुकेशन क्षेत्र बनने वाला है, तो आप ये देखें यहाँ एक खेल का ग्राउंड भी होना चाहिए जिससे बच्चों को SMS स्टेडियम और वहाँ दूर जाना पड़ता है। सबसे मुख्य रूप से जो बच्चों का विकास होता है वो खेल के द्वारा होता है, तो अपन ये प्रयास करेंगे यहाँ खेल का ग्राउंड तैयार हो और यहाँ बच्चों को सुविधाएं इससे मिल सकें, यही अपना उद्देश्य रहेगा। और भी जो यहाँ की समस्याएं रहेंगी समय समय पर उन पर ध्यान दिया जाएगा, दूर किया जाएगा। आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, आपको खुद को भी पता है कि कई हैं दावेदार टिकट के, अगर फिर भी आपको टिकट नहीं मिलती है सांगानेर विधानसभा से, तो क्या आप निर्दलीय टिकट चुनाव लड़ना चाहेंगे? जय जय मोदी, जय जय भाजपा। मोदी जी के बताए हुए कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसका सम्मान कर उसके साथ अपन प्रयास करेंगे, ऐसा कोई नहीं है तो सब बाकी की बात है, अपन सबके साथ लगेंगे, हाँ सहयोग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। इसी कड़ी में रविंद्र जी हमारा एक रैपिड राउंड भी है जिसमें हम एक शब्द बोलेंगे, उसको एक शब्द में ही आपको उत्तर देना है। अगर मैं बात कहूँ तो किसान के बारे में आप क्या कहेंगे? भाग्यदाता। भारत अपना सिर का ताज। वोटर अपना, आप ये समझ लें वोटर ना हो करके अपना कार्यकर्ता होता है जो अपने लिए समय समर्पण देता है, उसका ध्यान रखना बड़ा आवश्यक कार्य है। नरेंद्र मोदी पे आप क्या कहना चाहेंगे? विकास पुरुष, एक ही शब्द। राहुल गांधी क्या कहना, ठीक है जनता जानती है उनके बारे में, शादी हो जाए ज्यादा ठीक है। CM अशोक गहलोत देखो यहाँ कांग्रेस के शासन में अपराधीकरण और भ्रष्टाचार बढ़ा है, सरकार इस बार चेंज होगी और मेरा पूर्ण विश्वास है और यहाँ इन सब से मुक्ति मिलकर के एक अच्छे राजस्थान का निर्माण होगा, यही मैं आशा करता हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा क्या मानता है? सबसे बड़ा मुद्दा देखो यहाँ जो व्यवस्थाएं रहती हैं, मूलभूत सुविधाएं रहती हैं, वो वास्तविक लोगों की समस्याएं होती हैं, छोटी छोटी समस्याएं, किसी व्यक्ति को समय पर राशन ना मिलना, समय पर पानी ना मिलना, सफाई की व्यवस्था का अभाव होना, तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा आपके हिसाब से? सबसे बड़ा मुद्दा पानी की समस्या बड़ी महत्वपूर्ण होती है क्षेत्र की, उसको दूर किया जाना चाहिए और उसका अभाव ना हो ऐसा ध्यान रखा जाना। ये थे हमारे साथ रविंद्र शर्मा जी, दावेदारों की आवाज़ सीधे जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।